नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी आर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कोटा शहर की किसी खबर के विषय पर बताएंगे जिसे सुनकर शायद हो सकता है आपको अजीब लगे, आप एक पल के लिए अपनी हंसी नहीं रोक पाओ, लेकिन जब उसके मर्म तक आप पहुंचोगे तो शायद आपको कुछ समझ में आएगा। दरअसल बात इतनी है कि कोटा शहर के केशवपुरा इलाके में एक युवक अपनी मांगों को लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और लगभग एक घंटे तक वो नीचे नहीं उतरा। इस नज़ारे को देखकर सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और इस कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। दरअसल बात इतनी है कि एक दीपक पांचाल नाम के युवक की मोटरसाइकिल का चालान पुलिस प्रशासन ने काट दिया। चालान के पैसे नहीं होने की वजह से उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई और जब पुलिस प्रशासन ने युवक की गाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया तो युवक ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और इसके बाद में उसने अपनी बात को जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का डिसीजन लेना उचित समझा। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद, काफी समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा और जनता के समक्ष उसने प्रशासन को अपने दर्द को बयान किया। आइए जानते हैं युवक के परिवार का इस विषय पर क्या कहना है। क्या परेशान किया? थोड़ी मोटी गाड़ी पकड़ कर जाओगे तो कर लेते गाड़ी थोड़ा बड़ी है। गाड़ी गाड़ी पाई हो तो कर लेंगे। कितनी बार लेके थे? पैसे मांगे थे तो जाने कौन मांगे? पैसे नहीं, कहाँ से लाए? कल किसी की मार दी थी। नहीं, कहाँ से लाए? मैं बोला बात अच्छे को लड़ू तो टावर पे क्यों चढ़ा है? कौन सी गाड़ी थी और क्या करते थे ये? कौन सी गाड़ी? पेंटिंग कर लेता, बैलदारी कर लेता, जो इसका हाथ में आता वही कर लेता। आपका, अरे अम्मा, वो आपका आपका नाती टावर पे क्यों चढ़ा? परेशान घूमते कब पकड़ी? उसका नाम बताओ। बच्चे का नाम? उसका नाम क्या बेटे का? उम्मीद है प्रशासन युवक के दर्द को समझकर उचित कार्यवाही करेगा। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखें, अपने आक्रोश को काबू में रखें। हमारी वजह से हमारे समाज में कोई गलत मैसेज न जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं। आपका अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।